हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे के साथ खाने वाली टमाटर की चटनी, और ये अलग स्टाइल में बनती है। ये देखिए, हमने 5 टमाटर को ऐसे बारीक चॉप कर लिया है, 8 से 10 करी लीव्स ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया हमने चॉप कर लिया है, 1 चम्मच राई दाना लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, 5 छोटी चम्मच चीनी है, ये भी आप जितना खट्टा मीठा चाहें उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, और 1 छोटी चम्मच जो है धनिया पाउडर है, और सरसों के तेल में हम इसको बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये यमी सी टेस्टी सी लगने वाली चटनी। तो हमने ये 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल लिया है। सरसों के तेल में ये टेस्टी बनती है, और सरसों का तेल हम जब भी यूज करें तो हमें वो पहले पकाना पड़ता है। तो अभी ये धुआं उठने लगे तब तक हम इसकी वेट करते हैं। देखिए, धुआं उठना जो है वो शुरू हो गया है और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही ये धुआं आने लगे आप गैस को ऑफ कर दें, और इसमें आप तभी छौंका नहीं डाल सकते ऐसे करके। देखिए, आप देख रहे हैं ना, धुआं उठ रहा है इसमें। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और थोड़ी देर जब ये धुआं ठंडा हो जाए, तेल थोड़ा सा गर्म हो, बस तभी हम, देखिए, गैस को हम बंद करते हैं। गैस ऑफ है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं उठ रहा है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें अभी राई और करी पत्ता डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो तेल जो है वो हल्का ठंडा हो गया है, गैस को हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें 2 पिंच डालेंगे ये हींग, साथ में डालेंगे राई, और साथ ही में डाल देंगे हम करी लीव्स। ये अच्छे से तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने काटा हुआ टमाटर है। एक बार इसको भून लेते हैं। ये देखिए, स्लो गैस पर ही हम पकाएंगे। देखिए, मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम इसमें ये नमक डाल देंगे, और नमक डालने से टमाटर जल्दी गलता भी है, और ये बिल्कुल मैशी होने तक हम इसको ढककर पकाएंगे। तो अब आप गैस की फ्लेम हाई कर सकते हैं, इस समय मीडियम टू हाई पे आप पका सकते हैं। तो हम इसकी इंतजार करते हैं जब तक ये सॉफ्ट होते हैं। अब देखिए, कुछ देर हमने इसको ढक के पका लिया है। अब हम इसको हटाते हैं, ढक्कन हटाने के बाद चेक करते हैं। देखिए, ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया ना। ज्यादा इसको हम ऐसे मैशी नहीं करेंगे इस समय। अब हम इसमें ये लाल मिर्ची पाउडर और धनिया डाल देंगे, साथ में डालेंगे चीनी, ये अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, और इसको मिलाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका कलर आया है, खाने में ये बहुत अच्छी लगती है, तो जरूर ट्राई कीजिए। स्पेशली आलू के पराठे के साथ सॉस की जगह आप बच्चों को घर की बनी हुई चटनी खिलाइए। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये 2 हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बहुत बड़ी थी 4 भाग में काट लिया है, बीच में से स्लिट कर लिया है, इसको भी थोड़ा सा हम इसमें सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए, देखने में लग रहा है ना सुंदर। और इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने हींग उसमें नहीं बताया आपको, हींग और हरी मिर्च, तो मैं उसमें लिख दूंगी, आप उसमें चेक कर लें कि क्या क्या हमने डाला है। थोड़ी देर और हम इसको खुला पकने देते हैं। इस समय आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको चक्कर देखिए, जो भी चीज आपको कम ज्यादा लगती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज्यादा लगता है तो आप उसमें और टमाटर डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आप मसाले मिर्ची अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए आप, कितना सुंदर कलर हो गया है। अगर आप ऐसे ही थिक खाना चाहते हैं, देखिए, तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, मगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा, पकेगा, और थोड़ा आप अच्छे से सॉसी टाइप हो जाएगा, लगा के खा सकते हैं। तो ये मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है, आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरह से आप
कर सकते हैं। तो इसको और एक मिनट हम ढककर पकाते हैं। इसमें थोड़ा धनिया हम अभी डाल देते हैं और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगती है चटनी। जब तक आप बनाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि रेसिपी कैसी बनी है। तो अब ये हमारी तैयार हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, बहुत अच्छी बनी है। तो मैं गैस को करती हूँ ऑफ और अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए, आलू के पराठे के साथ ये चटनी लग रही है ना यम्मी। देखने में तो है ही सुंदर, खाकर भी देखिएगा, बनाकर खाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। Thank you.